सांसद अनिल वलूनी जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी हैं, मेरा सादर अनुरोध है माननीय प्रकाश जी से कि आपको संबोधित करें। कांग्रेस ने अपने हरकतों से देश को शर्मिंदा किया है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के बारे में टिप्पणियां की, वो हमारे सबके सामने है। वो है, हाँ दिखाओ तो। हाँ, आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो, 10 सेकंड का वीडियो दिखाना चाहते हैं। हाँ, दिखाओ आवाज। ये तीन वाक्य, राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन जम्मू कश्मीर। कहां से जानकारी लाई राहुल गांधी? यू वेर वेरी रॉन्ग। कश्मीर में बुरी हालात नहीं है। आप जिस तरह से कल्पना करते थे वैसे वायलेंस नहीं हुआ है और लोग मरे नहीं है। लेकिन ये राहुल गांधी का बयान पाकिस्तान में बहुत चला और पाकिस्तान ने जो यूएन को एप्लीकेशन किया है उसमें इसका उल्लेख किया है और उसमें लिखा है कि एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस सच एज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हु हैज नोटेड पीपल आर डाइंग इन जे एंड के इन लाइट ऑफ इवेंट्स गोइंग वेरी रॉन्ग। सो राहुल गांधी जी का बयान देश को शर्मसार करने वाला है। जो कश्मीर की वास्तविकता नहीं है वो बोले, जो पाकिस्तान के हाथ में वो खेले और पाकिस्तान ने उसका उद्धरण करते हुए यूएन में एक पिटीशन लगाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में पिटीशन लगाई, पत्र दिया कि कश्मीर में ऐसा चल रहा है और इसका सबूत राहुल गांधी का बयान। तो ये केवल बैंक्रप्सी नहीं है, ये तो दिवालियापन है ही, लेकिन उससे ज्यादा ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इसमें यानी मुझे कभी कभी लगता है वायनाड से जीते तो सोच भी बदली और इसके खिलाफ देशभर आक्रोश हुआ। पहले ट्वीट के बाद थिंग्स इन जम्मू कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग और देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एंड देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन कश्मीर। ये झूठ बयान पर लोगों का गुस्सा हुआ, देशभर में आक्रोश हुआ, इसलिए कांग्रेस आज बयान से पलटी है और आज उसको कहना पड़ा, राहुल गांधी को आज कहना पड़ा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान और किसी अन्य देश के हस्तक्षेप का कोई जगह नहीं है और जो हिंसाचार जो कश्मीर में करते हैं वो पाकिस्तान प्रेरित है। पूरा यूटर्न, पूरा यूटर्न, क्योंकि देशभर का आक्रोश था, लोकतंत्र की मांग थी। और मुझे तो आश्चर्य होता है जिन्होंने इमरजेंसी लाई 20 महीने तक, वो आज हमें बता रहे हैं एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्थिति ठीक होने के लिए। ये लोकतंत्र का गला घोटना नहीं होता है।
और कश्मीर के जनता ने स्वागत किया है और वहां विकास की धारा बहेगी, सारे देश के कानून वहां लागू होंगे, सारी देश की योजनाएं लोक कल्याण की लागू होगी। कश्मीर में ये जो परिवर्तन पार्लियामेंट में हुआ है उसका बहुत दूरगामी परिणाम है और इसके लिए ऐसे विषय पर भी जो ओछी राजनीति करते हैं, क्यों गए थे कश्मीर, परमिशन लिए बगैर आप कश्मीर जाएंगे, उद्देश्य क्या था, भड़काने का था, और ऐसे जब जाते हो तो फिर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी आप इस तरह से पीपल आर डाइंग और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस कहोगे तो वो गलत है। अपने देश के बारे में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं कहता जो राहुल गांधी ने कहा है और इसलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और मेरा हमेशा यह है कि मणिशंकर अय्यर की जो सोच है वही कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस के कुछ नेता अलग दिखाने का प्रयास करते हैं लेकिन आखिर में यही साबित होता है कि मणिशंकर अय्यर जो कहते हैं वही कांग्रेस की असली सोच है और उसी का दर्शन राहुल गांधी के इस बयान में मिला और उसी के कारण आज उनको देश भर के आक्रोश का सामना करना पड़ा और इसलिए आज बयान से पलटे हैं, मन से नहीं पलटे हैं, परिस्थिति के कारण, दबाव के कारण, जनता के आक्रोश के कारण बदले हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए। टुडे कांग्रेस हैज इंसल्टेड द कंट्री बाय इट्स इररिस्पॉन्सिबल अटरेंसेस। राहुल्स ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट थिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर गोइंग वेरी रॉन्ग, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, देर आर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल डाइंग इन कश्मीर, मिस्टर राहुल गांधी थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी रॉन्ग इन कश्मीर, थिंग्स आर गोइंग वेरी रॉन्ग इन कांग्रेस, एट यूर एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी रॉन्ग। और दिस स्टेटमेंट शोज द बैंक्रप्सी ऑफ ए पार्टी विच हैज रूल्ड दिस कंट्री फॉर नियरली 50 years, एंड दिस इज नथिंग बट वोट बैंक पॉलिटिक्स वॉट इट कैन बी, एंड देयर फोर पाकिस्तान यूज दिस स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी इन देयर पिटिशन टू यूनाइटेड नेशंस। इन देयर पिटिशन दे हैव मेंशनड दैट एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव बीन एक्नॉलेज्ड, सबूत एक्नॉलेज्ड बाय मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस सच एज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हु हैज नोटेड पीपल डाइंग इन्वर्टेड कॉमा इन जम्मू कश्मीर इन लाइट ऑफ इवेंट्स अगेन इन्वर्टेड कॉमा गोइंग वेरी रॉन्ग देयर। सो दे आर यूजिंग राहुल गांधी स्टेटमेंट एज एन एविडेंस टू द यूनाइटेड नेशंस। नेवर इंडिया हैज बीन शोन इन बैड लाइट एज कांग्रेस हैज डन, नेवर इन द हिस्ट्री, देयर मे बी पॉलिटिकल डिफरेंसेस बट नोबडी हैज स्पोकन दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच बिकम्स हैंडल फॉर पाकिस्तान। आई थिंक दैट समबडी विनिंग फ्रॉम वायनाड ऑल्सो चेंजेस हिज माइंडसेट, एंड देयर वॉज फ्यूरियस रिएक्शन थ्रू आउट द कंट्री एंड देयर फॉर कांग्रेस हैज टू रिट्रेस। देयर फॉर जस्ट reversing the statement is not enough. Congress should apologize, Rahul Gandhi should apologize, and I always believe that Congress thought process now has completely done a pendulum like thing, and what Manishankar Iyer thinks is the Congress thought process and not what some leaders want to project as a progressive
or as a liberal party. That's not the thought process of Congress. And therefore, I really also wonder that those who have brought emergency for 20 months are now criticizing the reasonable restrictions which need a small time to streamline situation. And therefore, what Kashmir has welcomed is that they will get benefits of all welfare schemes of Government of India, because they will get benefit of all laws of India. They will get political reservation, right to education, right to information, and many other things which the state government never allowed. All these benefits will now flow to Kashmir, Ladakh, and Jammu regions, two states, and therefore we are condemning the act of most irresponsible politics ever country has witnessed in last 70 years. That's all from my side. आप लोगों के सवालों का जवाब एक मिनट एक एक करके निस्तुला ऐसे ऐसे तो होगा नहीं भाई निस्तुला मैंने जो झूठ दावे पाकिस्तान के पत्र में है उसका मैंने जिक्र नहीं किया. मैंने जिक्र राहुल गांधी के जो बयान को उन्होंने उद्धृत किया है, सही में जो बोले थे वही उद्धृत किया है, उसी का उल्लेख किया है. नो यस देवेंद्र देवेंद्र प्रकाश नहीं विस्तार से नहीं, यानी मुझे आश्चर्य लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी बाबा. ऐसा है अमेठी से जीतते थे तब ऐसा नहीं बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे. सवाल आएगा. अरे सीट बदली तो बदली उनकी. चले नहीं नहीं इट्स वेरी आई विल एक्सप्लेन. एक मिनट. नो इट इज सवाल पूछा सवाल का नहीं नहीं वन मिनट मैं बता रहा हूँ. लेट मी अरे सीट बदली अमेठी से वायनाड हुई इसलिए उसका उल्लेख किया. नो वायनाड के साथ रॉन्ग नहीं है. नो No, let me tell you. One minute, I'll tell you. Nothing is wrong with Wayanad. Wrong is with the representative elected from Wayanad. Yes, therefore. ऐसा है कांग्रेस हताश और निराश है और सभी दल वहां जो गए थे उनको लगा था जिस तरह से कश्मीर में रिएक्शन आएगा वैसे नहीं आया. और कश्मीर देश के मुख्य धारा से जुड़ गया तो इसलिए ये कतई उनके सभी बयान गलत इसीलिए साबित हुए और लोगों का इसीलिए आक्रोश हुआ और कांग्रेस एक फ्रिंज पार्टी बन के रह गई, ये इसी कारण है. आप बताइए जी. There is no need to answer
एवरी चार्ज विच ऑपोजिशन मेक्स, वो गिरेबान में झांक कर देखे। अखिलेश वो तो आपको मालूम है, अब बुधवार से स्कूल हाई स्कूल भी शुरू हो रहे, प्राइमरी स्कूल शुरू हो गए, बाकी भी सारी व्यवस्था, बाजार और सभी व्यवस्थाएं, ईद से लेकर बहुत सारी नॉर्मल सी आप जम्मू कश्मीर में रोज देख रहे हैं। आपके टीवी चैनल के सभी रिपोर्टर्स सब जगह घूम रहे हैं, सबका बयान ले रहे हैं और कहीं भी ऐसी कोई गलत परिस्थिति का ये नहीं है। तो ये जैसे सरकार ने कहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वेर पुट इन प्लेस फॉर अ वेरी टेम्पररी पीरियड एंड दे विल बी टेम्पररी। संजय शर्मा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के धमकियों से अभी कोई स्थिति में बदलाव नहीं आएगा। यह पाकिस्तान की सोच दर्शाती है, भारत मजबूती से खड़ा है, अपने बलबूते पर खड़ा है और इसलिए पाकिस्तान की ऐसे धमकियों का कोई महत्व नहीं है। विनीत, विनीत, अरे रुकिए ना, ऐसा विनीत नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट अब जो भी उसके पास एप्लीकेशन आया होगा उन्होंने निर्णय दिया है, उस पर जो भी सरकार है वो जो आवश्यक है वो करेगी। शंकर अनुष, हाँ शंकर, बिल्कुल ऐसा है। पहले तो धारा 370 को लेकर जिस तरह से पहले आंदोलन हुए उस समय की पृष्ठभूमि बदल गई, अब तो पूरा देश वहां जा सकेगा, आनंद से सैर भी कर सकेगा और आनंद से वहां कारोबार कर सकता है, काम कर सकता है। तो ये देश पूरा एकजुट है और पूरा देश एक है, यही तो मुख्य मुद्दा है। प्रज्ञा, नहीं ये तो आज मैं राहुल गांधी के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। सी कश्मीर इज यूनाइटेड एंड एज एवरीबडी नोज द डिसरप्शंस विच वर मेड इन कश्मीर where Pakistani sponsored elements, now we are seeing completely a transformed Jammu Kashmir and Ladakh, and therefore I did not comment on anybody speaking and organizing one program. Neelu ji, नहीं अभी हमने ये नहीं कहा कि अभी झूठ बोल रहे हैं, अभी ये यू टर्न क्यों किया, हम कह रहे हैं कि ये यू टर्न क्यों हुआ। जनता का आक्रोश था क्योंकि पहले वो झूठ बोले थे और जनता का आक्रोश हुआ भारत विरोधी ऐसी भूमिका जो पाकिस्तान के मदद में आए और पाकिस्तान का हैंडल बन जाए, और इसलिए हमने निषेध किया, माफी मांगी है, उनसे माफी अपेक्षा की है और उससे हम ये कह रहे हैं कि ये यू टर्न जनता के आक्रोश के कारण किया, तो ये फर्क है। आप ही चाहिए सर, राहुल गांधी आज भी ग्रेट वेटिंग अगेन एंड अगेन, ही नेवर रिस्पॉन्डेड टू राज्यपाल्स इनविटेशन। ये पूरी तरह से आंतरिक मामला
नहीं, ये तो उसी समय कांग्रेस को सबने उसकी भर्त्सना की कि इस तरह का बयान कोई नेता प्रतिपक्ष तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता इस तरह से बयान करे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को ऐसा ही कैसा हमने निर्णय ले लिया, ऐसे कैसे बिल लाया, इस तरह से पूछने पर तो उनकी थू हुई है सब जगह। सब संभालेंगे और आपको बार बार बताएंगे भी। नहीं, मैंने ये नहीं मान्य किया। राजनीति में एक परिस्थिति हर एक की होती है तो उसको ठीक करना संभालना ये भी हमारा काम है और हम विजयी होंगे और पूरी तरह से हमारा ही मुख्यमंत्री होगा ये केजरीवाल देखेंगे। नहीं, क्या बताए ये आपको मालूम है? अटल जी ने उसी समय कहा था कि पाकिस्तान से बात ये पीओके के बारे में ही हो सकती है और आतंकवाद के बारे में हो सकती है, बाकी तो नहीं है। अनामिका नहीं भाई, आपका अनामिका रखा। ऐसा ये समझ की बात है, ये कोई गवर्नमेंट के एडवाइजरी से नेता विपक्ष थोड़े ही चलते। संतोष ऐसी भविष्यवाणियां वैसे ही रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।